गुल्ली बुल्ली और शॉन आज रॉड और बाबा के साथ एक सुनसान जंगल में घूमने जाने वाले हैं। शॉन, तुमने सारी चीजें तो रख ली हैं ना बैग में? हाँ गुल्ली, मैंने कई सारी मिठाइयाँ भी रख लिया है हमारे लिए। रास्ते में हम मिठाइयाँ खाते हुए चलेंगे। गुल्ली, ये बाबा और रॉड कब तक आने वाले हैं? 10 मिनट से हम लोग यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। और तभी बाबा पहुंच जाते हैं इन लोगों के पास। कैसे हो तुम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन? शॉन कहता है कि बाबा मैं आपसे नाराज हूँ, बहुत लेट कर देते हो आप। बाबा कहते हैं कि अरे गुस्सा मत करो शॉन, किसी ना किसी वजह से मैं हर बार लेट हो जाता हूँ। बाबा, हम जंगल में क्यों जाने वाले हैं घूमने? क्यों ना किसी बीच या समुद्र के किनारे चलें? बाबा कहते हैं कि ये प्लान तो रॉड का है बुल्ली। रॉड हमें किसी ऐसी चीज से मिलवाने वाला है जिसके बाद हम सबके पास बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत अमीर हो जाएंगे हम लोग। गुल्ली कहता है कि अरे वाह बाबा, जल्दी चलिए फिर उसके पास। चलो सबसे पहले हम मेरे घर पर चलने वाले हैं, रॉड भी वहां पर पहुंचता ही होगा। और ये सभी लोग बादल पर बैठकर बाबा के घर जाने लगते हैं। और ये लोग थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं बाबा के घर। सही टाइम पर आ गए गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा आप लोग। शॉन कहता है कि अरे रॉड, जल्दी बताओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा अब। क्या बताऊं शॉन, क्या मतलब है तुम्हारा? गुल्ली कहता है, वही रॉड, किस चीज से मिलाने वाले हो हमें जिससे हम सबके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा? रॉड कहता है कि बाबा आपने ही बताया होगा ना इन लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, मैं शुरू से सब कुछ बताता हूँ। बाबा कहते हैं कि रॉड, ये तुम्हारे हाथ में कैसी किताब है? इसी किताब में तो वो राज लिखा है बाबा, जिससे हम बहुत पैसे पाने वाले हैं। बताओ बताओ रॉड। बाबा, दरअसल ये किताब मेरे दादाजी के पुराने कमरे में रखी मिली, और इस किताब में एक बहुत बड़े खजाने का पता है। बाबा कहते हैं कि कौन से खजाने का पता रॉड? बाबा, इस किताब में लिखा है कि ये खजाना एक पिरामिड के अंदर दफन है। पिरामिड यानी ये खजाना इजिप्ट में है, सही समझे बुल्ली? और इस खजाने में इतना सोना हीरा और मोती है कि हम कई सारे शहर खरीद सकते हैं। गुल्ली कहते हैं कि रॉड, ये तो कमाल की बात बताई तुमने, मजा ही आ गया। बाबा कहते हैं कि लेकिन रॉड, कोई भी चीज इस दुनिया में इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। और क्या लिखा है इस खजाने के बारे में? बिल्कुल सही पहचाना बाबा आपने, इस किताब में बताया गया है कि ये खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जिसमें भरपूर ताकत और हिम्मत हो। और बाबा, इसमें लिखा है कि ये खजाना श्रापित है। बाबा कहते हैं कि जरा ये किताब मुझे भी देना रॉड। ये लीजिए बाबा। बाबा कहते हैं कि रॉड, सिर्फ खजाना ही नहीं, ये किताब भी श्रापित है। अगर कोई इस किताब को पढ़ता है तो अगले 24 घंटों में वो इंसान मर जाता है, ऐसा लिखा है इस किताब के आखिरी पन्ने पर। बाबा, अगर ये सच है तो मैंने ये किताब पढ़ ली है, अब मुझे 2 घंटे भी हो गए हैं, यानी क्या मैं अब 22 घंटों में मर जाऊंगा? बाबा कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उस खजाने तक पहुंचना होगा रॉड, तभी इस श्राप से तुम बच सकते हो। मैंने कहा ही था, इतनी आसानी से कोई भी चीज नहीं मिलती इस दुनिया में। चलो अब चलते हैं इजिप्ट, इस खजाने को पाने के बाद ही रॉड बच सकता है अब। और ये सभी लोग बादल पर बैठकर इजिप्ट के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं इजिप्ट। और ये लोग वहां एक गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी वो लोग एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक तहखाने के अंदर, जहां उन्हें बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। मिल गया खजाना हमें गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड। रॉड कहता है, लेकिन बाबा इतनी आसानी से कैसे मिल गया हमें ये? बात तो सही कह रहे हो तुम रॉड। और तभी वो सारा खजाना वहां से गायब हो जाता है। और तभी वहां जेसन आ जाता है। क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ? जेसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, अगर अपनी जान की परवाह है तो चले जाओ यहाँ से। रॉड कहता है, जेसन मैंने ये किताब पढ़ ली है गलती से, मैं मरने वाला हूँ, इसलिए हमें उस खजाने तक पहुँचना है, उसका रास्ता बता दो हमें। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगा मैं तुम्हें।
बाबा कहते हैं कि बताओ जेसन, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बताता हूँ बाबा, तुम्हें एक तालाब के अंदर रखी हुई मम्मी की मूर्ति को छूकर जिंदा करना होगा। अगर उस मूर्ति को तुम छू लोगे तो वो मम्मी अपने आप जिंदा हो जाएगी और वो तुम्हें खजाना खुद ही दे देगी। शॉन कहता है कि ले चलो उस तालाब के पास जेसन, और जेसन उस तालाब के पास लेकर आता है इन लोगों को। उस तालाब के बीच में एक मम्मी की मूर्ति रखी हुई थी। तुम लोगों में से कोई भी जाकर इस मूर्ति को छू लो, ये मूर्ति जिंदा हो जाएगी और तुम्हें बहुत सारा खजाना देगी। बाबा कहते हैं कि मैं जाता हूँ गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड, और जाकर उस मम्मी को जिंदा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मम्मी अपने सामने इस बाबा को देखती है तो वो मम्मी बाबा को मारकर पीछे गिरा देती है। और अरे ये क्या, बाबा तो अब खुद ही पत्थर की मूर्ति बन गए। गुल्ली कहता है कि रॉड गुल्ली और शॉन, बाबा तो मूर्ति बन गए। शॉन कहता है यानी इस तालाब में गिरने वाला हर कोई पत्थर बन जाता है। बहुत अच्छे मम्मी, तुम जिंदा हो ही गई आखिरकार। शुक्रिया जेसन, हमारे बाबा को ठीक करो जेसन, नहीं तो मैं तुम्हें फ्रीज कर दूंगा। बुल्ली कहता है रॉड मुझे लगता है हमें यहां से भागना चाहिए, क्योंकि ये दो लोग हैं और दोनों खतरनाक हैं, और इधर सिर्फ तुम ही हो इनसे लड़ने के लिए। हाँ रॉड, इन दोनों से तुम अकेले नहीं लड़ पाओगे। रॉड कहता है कि बिना कोशिश किए तो मैं नहीं छोड़ूंगा गुल्ली बुल्ली और शॉन। और तभी मम्मी और जेसन तालाब से बाहर निकलते हैं। पकड़ लो इस रॉड को जेसन। रॉड ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और जाकर मम्मी को मार देता है, और मम्मी जाकर उस तालाब के अंदर गिर जाती है और दोबारा पत्थर में बदल जाती है। शॉन कहता है कमाल कर दिया तुमने रॉड। हाँ रॉड, मान गए तुम्हें, हा हा हा। लेकिन तभी जेसन रॉड को पीछे से मार देता है और रॉड जाकर बेहोश हो जाता है। भागो जल्दी गुल्ली बुल्ली। लेकिन तभी रॉड को होश आ जाता है। तुम्हें होश आ गया रॉड, हा हा हा। अब डरने की बात नहीं है गुल्ली बुल्ली और शॉन। और ये लोग उस तालाब के किनारे आकर बाबा को देखने लगते हैं। बुल्ली कहता है अब बाबा को कैसे ठीक करेंगे हम रॉड, इस तालाब को छूते ही कोई भी पत्थर में बदल जाता है। रॉड कहता है मैं जाकर बाबा को टच कर लेता हूँ बुल्ली, बाबा ठीक हो जाएंगे। पागल मत बनो रॉड, तुम खुद भी तो पत्थर में बदल जाओगे। लेकिन तभी तालाब के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है और वो पोर्टल मम्मी और बाबा को अपने अंदर खींच लेता है, और फिर पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। रॉड कहता है कि ये तो इस तालाब ने मम्मी और बाबा को निगल लिया गुल्ली बुल्ली और शॉन, अब क्या करेंगे हम। शॉन कहता है हाँ रॉड, अब बाबा हमें कहाँ से मिलेंगे, और ये जेसन भी गायब हो गया है यहाँ से। हमें बाबा को घर चलकर उनके जादुई गोले में देखना होगा कि बाबा कहाँ चले गए हैं। और रॉड तभी बादल को वहां पर बुलाता है। कैसे हो तुम लोग गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड। शॉन कहता है कि बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में है बादल, हमें बाबा के घर ले चलो। और ये सभी लोग बादल पर बैठकर बाबा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। शॉन कहता है कि रॉड हमें बाबा को बचाना है और तुम्हारे खजाने को भी ढूंढना है, क्योंकि तुम्हारी जान को भी खतरा है। रॉड कहता है कि हाँ शॉन, 24 घंटों में से 4 घंटे खत्म ही हो चुके हैं, सिर्फ 20 घंटे हैं हमारे पास। अगर वो खजाना हमें नहीं मिला तो मैं मारा जाऊंगा। और ये लोग थोड़ी ही देर में बाबा के घर पहुंच जाते हैं, और रॉड जादुई गोले में देखता है कि बाबा मूर्ति बने हुए हैं, और मम्मी और जेसन बाबा को देखकर हंस रहे होते हैं। रॉड कहता है कि शॉन लगता है जेसन और मम्मी ने बाबा को किसी तरह से पकड़ लिया है, बाबा अभी भी पत्थर के ही हैं। तभी रॉड जादुई गोले से पूछता है कि बताओ कौन सी जगह है ये। जादुई पहाड़ी का किला। शॉन कहता है कि जल्दी चलो रॉड। और ये लोग उस पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं उस किले के पास। रॉड कहता है कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ गुल्ली बुल्ली और शॉन। शॉन कहता है मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ रॉड। ठीक है शॉन, गुल्ली बुल्ली तुम लोग यहीं पर इंतजार करो हमारा। और शॉन और रॉड उस किले के अंदर जाने लगते हैं, और ये लोग देखते हैं कि बाबा की मूर्ति वहीं पर है, वो रहे बाबा शॉन। शॉन कहता है कि रॉड कैसे ठीक होंगे बाबा,
पता नहीं शॉन, मुझे लगता है मम्मी और जेसन ने ही कुछ किया होगा बाबा के साथ, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहे। लेकिन तभी जेसन और मम्मी दोनों वहां पर आ जाते हैं। स्वागत है रॉड और शॉन मेरे महल के अंदर। रॉड, क्या तुम्हें वो खजाना चाहिए? रॉड कहता है, मम्मी चुपचाप से हमारे बाबा को ठीक कर दो। रॉड, ये तुम्हारा बाबा तो अब गया काम से, अब तुम बताओ क्या तुम्हें वो खजाना चाहिए? तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं जीने के लिए, उस खजाने को पा लो तभी तुम जिंदा बच सकते हो। रॉड कहता है, आखिरी बार कह रहा हूँ मैं, बाबा को ठीक कर दो मम्मी, नहीं तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन तभी रॉड देखता है कि शॉन भी पत्थर में बदलने लगा है, और शॉन पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता है। रॉड ये देखकर एकदम से घबरा जाता है। रॉड अपने सामने शॉन को पत्थर का बंदा देखकर अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाता है, और मम्मी और जेसन दोनों को फ्रीज कर देता है। तभी वहां गुल्ली और बुल्ली भी आ जाते हैं। गुल्ली कहता है कि रॉड, ये शॉन कैसे पत्थर में बदल गया? पता नहीं गुल्ली बुल्ली, अभी मैं इन लोगों से बात ही कर रहा था कि शॉन पत्थर का हो गया। लेकिन तभी बर्फ में कैद मम्मी और जेसन ब्लास्ट हो जाते हैं। रॉड हैरानी से पीछे देखता है। रॉड कहता है कि ये दोनों कहां गायब हो गए गुल्ली बुल्ली? तभी किले के पीछे से चलते हुए मम्मी और जेसन अपने कई सारे मॉन्स्टर्स के साथ आने लगते हैं। परेशान हो गए ना तुम रॉड और गुल्ली बुल्ली? बुल्ली कहता है कि तुम लोग ये सब क्या खेल रहे हो मम्मी और जेसन? जेसन कहता है कि रॉड, जिस किताब को तुमने पढ़ा था वो किताब इस मम्मी ने ही लिखी थी, और सिर्फ मम्मी ही तुम्हें उस खजाने का पता बता सकती है। रॉड कहता है कि जल्दी बताओ ना मम्मी, लेकिन उससे पहले बाबा और शॉन को ठीक करो, नहीं तो मैं मार डालूंगा तुम लोगों को। तुम्हें लगता है कि तुम हमें अकेले हरा सकते हो? अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें उस खजाने का पता दें और तुम्हारे बाबा और शॉन को भी वापस इंसान बना दें, तो हमारे लिए 5 चीजें खोज कर लानी होंगी तुम्हें। अगर तुम ये चीजें ला देते हो तो हम शॉन और बाबा को ठीक कर देंगे, और साथ ही तुम्हें खजाना भी दे देंगे। गुल्ली कहता है कि रॉड, इसलिए ही इन लोगों ने बाबा और शॉन को पत्थर में बदल दिया ताकि हम ये इनका काम कर सकें। रॉड कहता है कि तो फिर जल्दी बताओ जेसन और मम्मी, क्या क्या चाहिए तुम लोगों को? जब भी तुम्हारा एक एक काम खत्म होगा तो तुम्हारे सामने एक पोर्टल खुलता जाएगा जो तुम्हें आगे का काम समझाएगा। ये लो तुम्हारे सामने पहला पोर्टल। पहली चीज जो तुम्हें खोजनी है उसे कहते हैं अंधेरे का दिल। तुम्हें ये चीज राक्षसी जंगल में मिलेगी, उस जंगल में जाओ। और वो पोर्टल गायब हो जाता है। अब जाओ निकलो तुम लोग, रॉड तुम्हारे पास 15 घंटे है, 15 घंटों के अंदर तुम ये चीजें लेकर नहीं आए तो तुम वैसे भी मारे जाओगे। और ये सुनते ही गुल्ली बुल्ली और रॉड भागकर बादल के पास आते हैं। बादल, हमें राक्षसी जंगल के पास ले चलो। और ये लोग बादल के ऊपर बैठकर राक्षसी जंगल के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं, और बादल जंगल के बाहर इनको छोड़कर वापस चला जाता है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस जंगल की सुरक्षा यहाँ के खतरनाक मॉन्स्टर्स करते हैं। तभी वो तीनों मॉन्स्टर्स इन लोगों के पीछे कूद जाते हैं। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? रॉड कहता है, हमें अंधेरे का दिल चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वापस चले जाओ। बुल्ली कहता है, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? लेकिन बुल्ली की इस बात को सुनकर मॉन्स्टर्स को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी ये देखकर बुल्ली का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, गुल्ली के पास ऐसी शक्तियां कहां से आ गईं? रॉड गुल्ली से कहता है कि ये शक्तियां तुम्हारे पास कैसे आ गईं गुल्ली? पता नहीं रॉड, अचानक से ये एक्सट्रीम मोड में चला गया मैं। रॉड कहता है कि लगता है ये जगह जादू ही है गुल्ली, इसलिए तुम्हें यहां पर शक्तियां मिल गई हैं। और तभी इधर ये दोनों मॉन्स्टर्स एक हो जाते हैं। तुमने मेरे साथी को मारा है,
मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने भी मेरे साथी को मारा था, चलो आ जाओ। तभी रॉड उन दोनों मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देता है। जाओ मार दो इन्हें गुल्ली। और गुल्ली जाकर उन दोनों को मार देता है। और इधर बुल्ली को होश आ गया है। तुम ठीक तो हो ना बुल्ली? हाँ गुल्ली, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। रॉड कहता है चलो अब जल्दी चलते हैं उस अंधेरे के दिल को ढूंढने। लेकिन रॉड ये चीज है क्या? रॉड कहता है मुझे लगता है ये कोई जादुई पत्थर है गुल्ली, हमें इस पत्थर को ढूंढना है। और ये लोग चलते हुए एक पेड़ के पास आते हैं। कौन हो तुम लोग? रॉड कहता है ये कौन बोल रहा है? गुल्ली कहता है रॉड ये पेड़ बोल रहा है शायद। हाँ ये मैं ही हूँ, अब बताओ कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? पेड़ भाई साहब हमें अंधेरे का दिल चाहिए। ये कोई मामूली चीज नहीं है लड़के, अगर ये पत्थर किसी गलत हाथों में लग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अगर तुम्हें ये पत्थर चाहिए तो मैं तुमसे तीन सवाल पूछूंगा, तीनों का सही जवाब देने पर तुम्हें ये पत्थर दे दूंगा मैं। लेकिन अगर बीच में सवाल गलत हुआ तो तुम लोग पत्थर में बदलते जाओगे। मेरा पहला सवाल है, वो क्या है जो हमेशा साथ रहता है पर पकड़ में नहीं आता, जहाँ जाओ पीछा है करता? बुल्ली कहता है बहुत आसान है ये तो, मेरा कुत्ता टॉमी। वो भी तो ऐसा ही है, भागता रहता है दिन भर। गलत जवाब। और बुल्ली के गलत जवाब देते ही गुल्ली बुल्ली और रॉड का आधा शरीर पत्थर में बदल जाता है। ये क्या हो गया रॉड, ये तो बुरे फंसे हम। मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से कि गलत जवाब देने पर तुम लोग आधे पत्थर में बदल जाओगे। रॉड कहता है बुल्ली ये तुमने क्या किया, तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? अब तुम पूरे टाइम कुछ नहीं बोलोगे। बुल्ली रॉड की डांट को सुनकर उदास हो जाता है। एक बार पहेली फिर से बोल दीजिए पेड़ भाई साहब। सुनो, वो क्या है जो हमेशा साथ रहता है पर कभी पकड़ में नहीं आता, जहां जाओ पीछा है करता? रॉड कहता है मैं जानता हूं इसका जवाब, इसका जवाब है परछाई। हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है पर हम उसे कभी पकड़ नहीं सकते, और हम जहां भी जाएं तो हमारी परछाई हमारे पीछे पीछे ही आती है। सही जवाब। दूसरा सवाल, ऐसी क्या चीज है जिसके नाम में एक फल भी है और एक फूल भी? रॉड कहता है इसका जवाब बहुत ही आसान है, गुलाब जामुन। सही जवाब। तीसरा सवाल, ऐसी दो कौन सी चीजें हैं जिनको खाने से पहले तोड़ना पड़ता है? रॉड कहता है ऐसी दो चीजें बतानी है। हाँ। रॉड कहता है कि पहली चीज है अंडा, अंडे को खाने के लिए पहले तोड़ना पड़ता है। तभी बुल्ली कहता है और दूसरी चीज है नारियल, नारियल को भी हम तोड़कर ही खाते हैं। सही जवाब। तुम लोगों ने तीनों सवालों के सही सही जवाब दिए हैं। ये रहा अंधेरे का दिल, इसको संभाल कर रखना। और ये सभी लोग पत्थर से वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वहां पर वो पोर्टल दोबारा आता है। तुम लोगों ने पहला पत्थर हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी चार चीजें और पानी बाकी हैं। दूसरी चीज जो तुम्हें ढूंढनी है वो है एक नीला पत्थर। ये पत्थर तुम्हें भूतिया पहाड़ी के किले के नीचे मिलेगा, वहां जाओ और वहां के खंडहर में ढूंढो। और फिर वो पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। और ये लोग उस पत्थर को रख लेते हैं और जाने लग जाते हैं उस पहाड़ी की तरफ। थोड़ी ही देर में ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि वहां एक किला है और बगल में ही एक गुफा बनी हुई है। रॉड कहता है मुझे लगता है कि हमें इस गुफा के अंदर चलकर ढूंढना चाहिए गुल्ली बुल्ली। लेकिन तभी ये लोग एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और पहुंच जाते हैं अंदर एक खुफिया गुफा के अंदर। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ी स्पाइडर है। ये लोग उस स्पाइडर की आवाज को सुनकर पीछे मुड़ते हैं। गुल्ली और बुल्ली स्पाइडर को देखकर एकदम डर चुके हैं। रॉड कहता है कि तुम लोग डरो मत, मैं करता हूं कुछ। और रॉड उस स्पाइडर को फ्रीज कर देता है। और फिर ये लोग गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। वो देखो रॉड, वहां कुछ है। और ये लोग जाकर देखते हैं कि वहां पर एक खजाना होता है। तभी वहां पर वो पोर्टल दोबारा आता है। ये खजाना शापित है, इसको चुराने की कोशिश भी मत करना। और ये कहकर वो पोर्टल गायब हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये लोग जरूर हमारा खजाना चुराने आए हैं।
इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम। बुल्ली कहता है, नहीं नहीं, हमें खजाना नहीं चाहिए, हम एक नीला पत्थर ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर इनकी तरफ ही कूद जाता है। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ आने वाला कभी भी जिंदा वापस नहीं जाता। रॉड तभी उन सारे मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देता है। बुल्ली कहता है, रॉड इन सबको खत्म ही कर दो, नहीं तो फिर क्या पता मुसीबत खड़ी कर देंगे ये लोग बीच में। और रॉड उन सारे बर्फ की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और बर्फ के साथ साथ वो सारे मॉन्स्टर्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। और जैसे ही मॉन्स्टर्स ब्लास्ट हुए तो तभी वहां पर वो नीला पत्थर भी इन्हें मिल जाता है। गुल्ली कहता है कि अच्छा तो इन मॉन्स्टर्स को मारना जरूरी था रॉड, मॉन्स्टर के मरते ही ये देखो हमें ये नीला पत्थर मिल गया। तभी वहां वो पोर्टल दोबारा इनके सामने आता है। अब तीसरी चीज तुम्हें ढूंढनी है और वो तीसरी चीज है एक जादुई चाबी। ये चाबी तुम्हें लावा की दुनिया में मिलेगी। और ऐसा कहकर वो पोर्टल गायब हो जाता है और गुल्ली बुल्ली और रॉड उस नीले पत्थर को भी रख लेते हैं। तभी वहां पर एक और पोर्टल खुलता है। लावा की दुनिया में जाने के लिए इसके अंदर आ जाओ। और ये सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं लावा की दुनिया में। लेकिन यहाँ पर तो दो लावा मॉन्स्टर्स इनको मारने के लिए तैयार खड़े हैं। रॉड कहता है कि ये क्या गुल्ली बुल्ली, यहाँ तो ये खतरनाक लावा मॉन्स्टर्स हैं। बुल्ली कहता है कि रॉड ये लावा मॉन्स्टर्स थोड़े से अलग हैं, ऐसे लावा मॉन्स्टर्स मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बच पाएंगे। गुल्ली बुल्ली और रॉड अपने सामने इन दोनों लावा मॉन्स्टर्स को देखकर डर चुके हैं। रॉड कहता है कि ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा गुल्ली बुल्ली, तैयार हो जाओ तुम लोग, हम तीनों मिलकर सामना करेंगे इन दोनों का। और तभी रॉड अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाता है और तभी गुल्ली और बुल्ली को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। लगता है यहाँ भी गुल्ली और बुल्ली के अंदर कोई खास पावर आने वाली है। तभी गुल्ली के हाथ में एक तलवार आ जाती है। लगता है गुल्ली की पावर ये तलवार है और यहाँ बुल्ली के अंदर बहुत ताकत आ चुकी है। तभी रॉड आगे बढ़ता है और एक मॉन्स्टर रॉड की तरफ दौड़ता हुआ आता है। और इधर गुल्ली भी तैयार है। गुल्ली जाकर उस दूसरे मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी दूसरी तरफ से बुल्ली आता है और मॉन्स्टर को मारकर गिरा देता है। हमारा रास्ता अब खाली है गुल्ली बुल्ली, अब चलो ढूंढते हैं उस जादुई चाबी को जिसको ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तभी गुल्ली उस जादुई चाबी को देख लेता है। वो देखो रॉड, वो रही जादुई चाबी। और ये लोग उस जादुई चाबी के पास आ जाते हैं और गुल्ली उस चाबी को ले लेता है। बुल्ली कहता है, हमारे पास अब तीन चीजें हो गई हैं रॉड, नीला पत्थर भी है, वो हरा वाला पत्थर भी है और अब ये चाबी भी हो चुकी है हमारी। तभी वहां पर वो पोर्टल दोबारा से आता है। तुम लोगों ने तीन चीजें पा ली हैं, अब बस दो चीजें और पानी बाकी हैं और ये दो चीजें तुम्हें एक साथ में ही मिलेंगी। रॉड कहता है, ठीक है, लेकिन ये चीजें क्या है और कहाँ मिलेंगी ये तो बताओ। ये चीज है दो हेलोवीन वाले पंपकिन। और सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है मेरे पास। अच्छा, जल्दी बताओ। अगर तुम मुझे एक पहेली का जवाब दे दो तो मैं खुद तुम्हें अभी तुरंत ये दोनों चीजें लाकर दे सकता हूँ और तुम जाकर अपने दोस्तों की जान बचा सकते हो। रॉड कहता है, हम तैयार हैं, जल्दी पूछो अपनी पहेली। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको प्यास लगने पर पी सकते हैं, भूख लगने पर खा सकते हैं और अगर ठंड लगे तो जला भी सकते हैं, बोलो क्या है वो चीज। गुल्ली कहता है, रॉड ये पहेली तो मेरे सर के ऊपर से चली गई। हाँ रॉड, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसको हम पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और ठंड से बचने के लिए जला भी सकते हैं। रॉड कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ गुल्ली बुल्ली। रॉड कहता है, तो सुनो, इसका जवाब है नारियल। प्यास लगने पर हम नारियल के अंदर के पानी को पीते हैं, भूख लगने पर हम नारियल को खा भी सकते हैं और ठंड लगने पर नारियल के ऊपर के हिस्से को जलाया भी जा सकता है, तो इसका जवाब है नारियल। बिल्कुल सही जवाब। और तभी वहां पर वो दोनों पंपकिन आ जाते हैं और वो पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। रॉड कहता है, गुल्ली और बुल्ली, हमें पांचों चीजें अब मिल चुकी हैं,
चलो चलते हैं बाबा और शॉन को बचाने के लिए। और ये लोग सारी चीजों के साथ उस हवेली पर पहुंच जाते हैं। स्वागत है तुम्हारा रॉड और गुल्ली गुल्ली। ये लोग देखते हैं कि शॉन और बाबा का बस आधा शरीर ही पत्थर का है। अब बाबा कहते हैं इनको वो चीजें मत देना रॉड, ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम दोनों के हाथ में ये जो पत्थर हैं उन्हें हमारे ऊपर फेंको जल्दी। और गुल्ली और बुल्ली वो दोनों पत्थर शॉन और बाबा के ऊपर फेंक देते हैं और तभी शॉन और बाबा वापस पूरे ठीक हो जाते हैं। मरोगे तुम लोग, सबके सब मरोगे। बाबा तभी अपने अल्ट्रा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स को पहले अपनी लेजर की पावर से मार डालते हैं। शॉन तुम्हारे अंदर भी पावर आ चुकी होगी, तुम भी लड़ सकते हो अब। और तभी शॉन भी एक्सट्रीम मोड में आ जाता है और तभी बाबा जेसन को अपने हाथ में उठा लेते हैं। मुझे छोड़ दो बाबा, माफ कर दो मुझे, ये सब मम्मी की चाल थी। हमारे पास कोई खजाना नहीं है, हम तो बस तुम लोगों को बहला फुसलाकर पांच चीजें पाना चाहते थे। ये वाले हर चीज से मम्मी को कोई नई शक्ति मिलती है और ये पत्थर बना देने वाली शक्ति भी ऐसे ही एक पत्थर से मिली थी उसे, और रॉड भी कोई मरने वाला नहीं था। गुल्ली कहता है यानी कि मम्मी उन सारी चीजों को पाकर और पावरफुल होना चाहती थी। शॉन कहता है अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। और तभी रॉड मम्मी को फ्रीज कर देता है। मार दो मम्मी को शॉन। और मम्मी वहीं ब्लास्ट हो जाती है। और बाबा तभी जेसन को भी लेजर से मार देते हैं और जेसन को हवा में फेंक देते हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना गुल्ली बुल्ली और रॉड? बाबा प्रॉब्लम तो बहुत हुई हमें, लेकिन हम ठीक हैं। शॉन कहता है तुम लोग ना आते तो पता नहीं क्या होता हमारा गुल्ली बुल्ली और रॉड। चलो अच्छा ही हुआ रॉड, अब शॉन के पास भी पावर आ जाएगी और अब तुम लोगों को भी अब मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा। अब हमारी टीम में गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी कुछ सुपर पावर्स मिलेंगी। कैसे बाबा? ये चीजें जो तुम लेकर आए हो इनकी वजह से। वाह बाबा, यानी हम भी अब पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी अब लड़ पाएंगे आप लोगों के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं ऐसी और भी वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।